जिला स्तरीय बाल श्रम अनुमूलन समिति तथा बंधुआ श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त वी के श्रीवास्तव ने बताया कि विगत वर्षों में बंधुओं श्रमिकों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करा दिए गए हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर संबंधित कोई शिकायत संज्ञान में आती है तो जिला प्रशासन और श्रम विभाग को सूचना दे सकता है। साथ ही बाल श्रमिक के नियोजन के संबंध में संज्ञान में आने पर कोई भी व्यक्ति सरकार की वेबसाइट पेंसिल पोर्टल पर बाल श्रमिक संबंधित सूचना डाउनलोड कर सकता है। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिकों को कार्य स्थल से मुक्त कराते हुए तुरंत संबंधित नियोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तकनीकी सलाहकार सितारा सिद्दीकी ने बताया कि वर्ष 2019 में नगर निगम के 15 वार्डों का बाल श्रमिक सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें कुल 593 बाल श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उनका शैक्षिक पुनर्वास हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूची दिया जा चुका है। साथ ही साथ बच्चों का फॉलोअप किया गया, लगभग 300 बच्चों का नामांकन किया जा चुका है। बैठक में बाल श्रमिक विधा योजना तथा श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित BOCW की योजनाओं के संबंध में तथा मिशन शक्ति अभियान पर भी चर्चा की गई तथा उस पर कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लेकिन ऐसा है कि विभाग भी परेशान ना हो, जो काम करना हो वो करे। जैसे कोविड के कारण मीटिंग नहीं हो पाई, मार्च की मीटिंग अब हो रही है, वैसे ही हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो ये फालतू समय ना बर्बाद। इंटरेस्ट का भी वैसे इंटरेस्ट कहाँ जाएगा इसका? नहीं, इंटरेस्ट है काफी ज्यादा है, लोग कहाँ दिया जा सकता है जब यहाँ बंधुआ मजदूर नहीं है पूरा, तो आखिर पैसा कब तक रहेगा? इसमें सर बंधुआ मजदूरों का मतलब कुछ जो दुकानें हैं सर चाय वगैरह की, एक सर्वेक्षण अगर हो जाता है सर्वेक्षण का, यानी सर सर्वेक्षण 16 में हुआ था, हाँ 2 साल का होना चाहिए, हमारे दुकान को बाल श्रमिक का इससे पहला एजेंडा बिंदु है जो नए कानून, पहले बाल श्रम अधिनियम हमारा 1986, इसमें सिर्फ 14 वर्ष तक के ही बालक आते थे, जो भी ये बाल श्रमिक कानून, अब इसको 2016 में इसको संशोधित किया गया, अब इसका नाम कर दिया गया बाल एवं किशोर श्रम, है ना, संशोधित अधिनियम 2016। अच्छा, अब सर इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य करने पर संशोधित कर दिया गया, साथ ही किशोर जो 14 से 18 हैं उनको खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने पर, यानी गैर खतरनाक में किशोर काम कर सकते हैं और खतरनाक में निषेध कर दिया। इसी तरह धारा 3 में हमारे यहाँ 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए किसी प्रकार का भी श्रम संबंधित करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा कि बच्चा कहीं कार्य न करे शिक्षा शिक्षा से जुड़ा गया है। किशोरों को गैर खतरनाक प्रक्रियाओं में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई, जैसे वो शाम को 7 बजे से 8 बजे के मध्य कार्य नहीं करेंगे तो किशोर श्रमिक, कोई ओवर टाइम उनको नहीं करना है, इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा का भी मुलायम ध्यान रखिएगा, जो कार्य अधिकतम कार्य करने की अधिकतम सीमा 6 घंटे की गई, 1 घंटे का विश्राम दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह इस अधिनियम में कानून को और कठोर करते हुए धारा 3 ने, यानी खतरनाक प्रक्रियाओं में चाहे बच्चों को बालक हो या किशोर हो वो अगर कार्य करता है तो उसे ऐसे नियोजक के खिलाफ जो इसमें पाया जाएगा जिसके यहाँ ये कार्य होगा उसके विरुद्ध ये कानूनी व्यवस्था है सही, और न्यूनतम 6 माह अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। वो अभी अगर अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष की सजा, ये नए कानून में ये सारे अमेंडमेंट किए गए, कठोर दिया गया कानून को, पहले थोड़ा सा विलीन का कानून, अब ये जो है काफ़ी कठोर किस बेजी जनपद गोरखपुर में पहुँचाए जब अभियान के अंतर्गत संपूर्ण अधिकारियों और NGS टीम की संयुक्त टीम द्वारा जांच कराई गई, जिसमें
जनपद में कुल 29 निरीक्षण किए जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने, जिनमें 28 नियोजक चिन्हित किए गए, तो ये कार्य कराते हैं।